ओम शब्द का वैज्ञानिक अर्थ और उसका धार्मिक महत्व। ओम शब्द इस दुनिया में किसी न किसी रूप में सभी मुख्य संस्कृतियों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का प्रमुख भाग है। जैसे हिंदू धर्म में सभी मंत्रों और भजनों में इसको शामिल किया गया है, ईसाई और यहूदी अपनी धार्मिक इच्छा प्रकट करने के लिए आमीन का प्रयोग करते हैं। मुस्लिम भाई इसको आमीन कहकर याद करते हैं। सिख धर्म में भी एक ओंकार अर्थात एक ओम का गुणगान करते हैं और बौद्ध धर्म में ओम मणि पद्मे होम कहकर प्रयोग करते हैं। ओम इस ब्रह्मांड में उस तरह भरा हुआ है जैसे कि आकाश। ओम का उच्चारण करने से जो आनंद और शांति अनुभव होती है, वैसी शांति किसी और शब्द के उच्चारण से नहीं आती। यही कारण है कि जब सब जगह बहुत लोकप्रिय होने वाले आसन प्राणायाम की कक्षाओं में भी ओम के उच्चारण का बहुत महत्व है। बहुत मानसिक तनाव और अवसाद से ग्रसित लोगों पर कुछ ही दिनों में इसका जादू सा प्रभाव होता है। यही कारण है कि आजकल डॉक्टर आदि भी अपने मरीजों को आसन प्राणायाम की शिक्षा देते हैं। ओम की सार्थकता को व्यक्त करने से पूर्व इसके अर्थ का बोध होना अत्यंत आवश्यक है। ओम की ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो जीवन की शक्ति है, जिसके होने से शब्द को शक्ति प्राप्त होती है। यही ओम का रूप है। ओमकार जितना धार्मिक दृष्टि से विशाल और गहरा है, उतना ही विज्ञान की दृष्टि में भी उपयोगी और कल्याणकारी है। अगर हम विज्ञान की माने तो ओम के उच्चारण से पेट, सीने और मस्तिष्क में पैदा हुए कंपनों से शरीर की मृत कोशिकाओं को नया जीवन मिलता है और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ओम के जाप से संपूर्ण शरीर में संतुलित तरंगों का प्रवाह होने लगता है और ओम के इस मंत्र द्वारा मनुष्य चमत्कार पूर्ण लाभ ले सकता है। आज के बदलते इस भौतिक युग में मानसिक शांति और अनेक रोगों से मुक्त होने के लिए ये मंत्र किसी अचूक औषधि से कम नहीं। जो भी ओम का उच्चारण करता रहता है, उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है। फिर भी उस ध्वनि को सुनने के लिए तो पूर्णतः मौन और ध्यान में होना जरूरी है। जो भी उस ध्वनि को सुनने लगता है, वो परमात्मा से सीधा जुड़ने लगता है। परमात्मा से जुड़ने का साधारण तरीका है ओम का उच्चारण करते रहना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। Thank you.